अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं एक्चुअली आई हुई हूँ वुमेन फेस्टिवल पे। यहाँ पर ख्वातीन ने जितने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, और वैसे तो माउंटेन डे के हवाले से ये इवेंट है, लेकिन साथ साथ इस माउंटेन डे को ख्वातीन के नाम किया गया है। और ख्वातीन ने यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जिसमें ज्वेलरी है, जिसमें कैप्स शामिल हैं, हैंडमेड वर्क है सारा, और बड़े ही खूबसूरत स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर बैग्स लगाए गए हैं, ख्वातीन ने शॉल्स लगाई हुई हैं, और इसके अलावा बड़ा ही अच्छा आर्ट वर्क यहाँ पर किया गया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ज़रा बता दूँ। वैसे ये PNCA का मकाम है, इस जगह पर तमाम जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं, और तकरीबन 100 स्टॉल्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बेसिकली ट्रक आर्ट हम हमेशा ही जो है वो देखते हैं ट्रकों पर, लेकिन अब ये जो है वो हमें इस तरह की फॉर्म में भी नज़र आ रहा है, ट्रक आर्ट लाइक इस फॉर्म में भी नज़र आ रहा है। तो मैं किसी से बात भी करना चाहूँगी कि जिन्होंने ये ट्रक आर्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? दानिया। दानिया, आपने बड़ा खूबसूरत जो है वो आर्ट किया है। वैसे तो हमें अमूमन ट्रकों पर ही ये नज़र आता है, तो इस आपको कैसे आइडिया आया ये सब करने का? एक्चुअली ये तो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, मेरे ख्याल से मेरी पैदाइश से भी पहले का ये लोक कल्चर में चला आ रहा है, ट्रक और सुजुकीज पे और बिल्कुल आपके रिक्शाज वगैरह पे। बट उसको हमने न्यू जनरेशन की वजह से जो है ना इनोवेट किया, जैसे कि आप ये प्लेट्स पे देख रहे हैं जो डायलॉग उस पर लिखे जाते थे, तो ये अगर आपने हैंगिंग के तौर पर घर में यूज़ करना है तो इसके ऊपर हमने वही लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मुर्शिदो बीवी नहीं बीवी जी कहिए दा, बड़े ज़बरदस्त। अच्छा दानिया, और भी दानिया में और भी दिखा देंगी जो इन्होंने प्लेट्स पे जुमले दर्ज किए हैं, और बड़े फनी फनी से भी हैं कुछ। एक पे इन्होंने लिखा है गुस्सा ना खाओ डिस्प्रिन खाओ। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है और वो लाजमी बात है डिस्प्रिन खाते हैं, तो अगर उनके घर में ये प्लेट लगी हो तो क्या वो गुस्से में कहीं तोड़ ही ना दें? तो इसीलिए दानिया ने इसका स्टील का वो मटेरियल यूज किया है ताकि गुस्से में कोई आगे तोड़े ना। ये क्या लिखा है दानिया, आप खुद ही बता दें। पसंद सजना दी ते खर्चा मालका दा। जबरदस्त जी, दानिया ने सोच समझ के ऐसे जुमले लिखे हैं जो वाकई अट्रैक्ट करते हैं, जो केक मुझे भी अट्रैक्ट करा है। दुनिया चलती रहे शहजादी चलती रहे, लगता है ये मेरे ऊपर जुमला बनाया गया। अच्छा ये हमारी यूथ के लिए प्यार ते करा पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी है। अच्छा ये वैसे ऐसे ही लड़के कहते रहते हैं, लेकिन ये के ठीक है ये भी जुमला, और बड़े अच्छे अच्छे। दानिया और क्या कहना चाहेंगी ख्वातीन के लिए? इस तरह के फेस्टिवल्स वैसे थोड़े ही लगते हैं, लेकिन अच्छी बात है ये लगे हैं, और बड़ी ख्वातीन बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर नजर आई हैं। इस तरह के इवेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस तरह के इवेंट्स मजीद होने चाहिए, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है ना फीमेल्स, वो इस साइड पे जो है ना काफ़ी वो अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रही हैं, मेल्स के साथ साथ भी और अकेले भी स्टॉल्स लगा रही हैं। मतलब अगर पूरा फीमेल का एक स्टाफ है, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स देखे हैं जिसमें जस्ट सिर्फ वुमेन है। तो अच्छी बात है कि अगर अपने आप को वो खुद को आगे लाना चाह रही हैं, अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, और अगर आपने इतनी एजुकेशन ली है तो घर बैठने के अलावा, घर की जिम्मेदारियां संभालने के अलावा, मेरे ख्याल से मार्केट में भी हमें निकलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्पेशली जो आर्ट करती हैं ना वो अल्लाह ताला ने सलाहियत फीमेल्स में ज़्यादा रखी है, वो ज़्यादा नफासत से काम करती हैं। तो वही घर बैठ के आपने आर्ट एंड क्राफ्ट अपने लिए करना है, थोड़ा बहुत इंस्टा पे लगा देना है, तो उसके अलावा एक थोड़ी सी और ये चीज़ है कि आप यहाँ पे भी आके स्टॉल लगाएं। इंस्टाग्राम पे दानिया जो बात कर रही है, मैं इसे एग्री इसलिए करूंगी कि जरूरी है आप ना सिर्फ इंस्टा वगैरह पे तो छोटे छोटे क्लिप्स आप लगा लेते हैं, तो अगर आप अपने आर्ट को बिजनेस में भी यूज कर लें, इसको बिजनेस के तौर पर चलाएं, तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। दानिया ने बड़ी अच्छी बात की है, और साथ साथ मुझे यहाँ पर आर्ट वर्क नजर आ रहा है। ठीक है, ख्वातीन में लड़कियों में होता है आर्ट, लेकिन मर्द भी कुछ कम नहीं होते, वो भी आर्ट वर्क कर रहे हैं और जो है वो बना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वी कैंप इन्होंने लिखा है, आप क्या कहना चाहेंगे इवेंट के हवाले से? इवेंट किस तरह के होने चाहिए जी, जेंट्स के अलावा लेडीज के लिए भी होने चाहिए। तो ये मेरे स्टूडेंट हैं दोनों, ठीक है, तो इनको मैंने सिखाया है, सारी बात है वुमेन का है, तो वुमेन के लिए फिर ये साथ मुझे इनके साथ आना पड़ा, बैठ के साथ इनकी यानी कि एक तरह की सरपरस्ती कर रहा हूँ मैं, तो ये सारा काम देख लें आप। अच्छा ये मुझे बढ़िया ट्रैक की है लालटेन जो है, ये भी आपने खुद बनाई है? जी सारा खुद करते हैं, सारा खुद बनाया और बड़ा खूबसूरत बनाया। अभी ये पेंट कर रहे थे रिसेंट, वेल्क इन्होंने वी कैंप लिखा है जी। और इसके अलावा ये मैं आपको दिखाऊं तो ये बड़ा अच्छा, बॉटल्स पे भी इन्होंने लिखा है, जो हम बॉटल्स वेस्ट कर देते हैं। अच्छा इस पे इन्होंने लिखा है एक बोतल
वोडका मेरा रोज का, हाँ ये गाना है एक, तो मुझे भूल गया था। खैर अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, ये है कि ट्रैक आर्ट जो है वो पहले सिर्फ और सिर्फ ये मुख्तस था ट्रैक तक, लेकिन जब हमने अपने उस्तादों को ज्वाइन किया वो तो मेरे लिए हमें मिलने थे, क्योंकि ख़वातीन के इसमें बिल्कुल उस्तादों के है ही नहीं। हमने इनको ज्वाइन किया और हमने इसकी वजह से जो है ना, दानिया भी इन्हीं की स्टूडेंट आ जाती है, मैं भी इन्हीं की स्टूडेंट आ जाती हूँ, और हम इनसे सीख के जो है ना मज़ीद आगे अपने इस काम को आगे लेके जाते हैं। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, और दानिया से भी हमने बात की, उनके टीचर से भी हमने बात की, और उन्होंने हमें यही बताया कि इस तरह के जो स्टॉल्स हैं उन्होंने खुद ये हैंडमेड जो काम है सारा खुद किया है। ज्वेलरी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, ये भी जो है वो बड़ी प्यारी लग रही है, अट्रैक्टिव। मोस्टली जो यहाँ पर काम है वो हैंडमेड ही है। इसके अलावा अच्छा, ये बड़ी प्यारी चीज़ें हैं, लाइक ये कैटल देख लें, ये जो कैटल का कवर है। इसके अलावा शूज़ हैं छोटे छोटे बच्चों के, ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ हैं। और ये जो आर्ट है ये वाकई ही इसका कोई मुकाबला नहीं है, और ये होता भी बड़ी मेहनत से है और बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैं बात करने की कोशिश करूँगी, आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए जी, यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए हैं और बड़े अच्छे स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें खाने पीने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स और बास्केट्स और डिफरेंट चीज़ें हमें यहाँ पर ऑर्गेनिक इवन चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, ख़वातीन जो होंगे क्रिएटिव होती हैं तो वो इस तरह के कामों को पसंद करती हैं। इसके अलावा कुछ ड्रेसेस हैं ये देखें, और इसके अलावा ये तमाम तर जो मनाजिर हैं वो ये हैं। तो वैसे ख़वातीन जो है वो इस तरह के स्टॉल्स अगर लगाएं तो इसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है। इस तरह के फेस्टिवल्स भी होने चाहिए, उनको प्रमोट भी करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपना काम उसको शो करा सकें, और बिज़नेस के तौर पे भी उसको वो कर सकें, प्रमोट कर सकें। वैसे भी दौर इतना मुश्किल चल रहा है, तो उसमें ज़रूरी है कि तमाम लोग जो है वो काम करें। ये भी एक जो है वो में हैंडमेड वर्क नज़र आ रहा है, ये भी बड़ा अट्रैक्टिव सा है, ठीक है। और नो डाउट ये काम जो है वो ख़ासा ज़बरदस्त है। इसके अलावा तमाम तर चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट बैग्स बनाए गए हैं, जितनी भी हैंडमेड चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर शो की गई है। शॉल्स यहाँ पर रखी गई हैं, गर्म कपड़े रखे गए हैं, और ज़्यादातर ये जो ख़वातीन हैं इनका ताल्लुक गिलगित से है, और बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो गिलगित जाने की बात भी करते हैं, गिलगित यहाँ से बहुत दूर है। और ये बैग्स हैं, बड़े खूबसूरत बैग्स हैं, ये भी हैंडमेड जो है वो बनाए गए हैं, और डेफिनेटली इनमें बहुत मेहनत भी लगती है छोटी छोटी चीज़ें बनाने में। आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा मलिका, मेरा नाम मनज़ा हयात है। ये जो आप सारे बैग देख रहे हैं ये सारे मैंने खुद बनाए हुए हैं, मेरी कॉटेज इंडस्ट्री है और मेरे ब्रांड का नाम किमीज़ है माशाल्लाह। और ये जो वीकैम की एग्जीबिशन है, लास्ट टाइम भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आएँ और फूड को भी इंजॉय करें और शॉपिंग भी करें। बहुत खूबसूरत बात कही है इन्होंने, और बैग्स भी बहुत अच्छे बनाए हैं। इवन ये देखें, ये इतना प्यारा बैग है, और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकई हाथ से कोई ऐसे, क्योंकि मैं इतनी लाइक नहीं हूँ उन चीज़ों में, तो मैं अट्रैक्ट होती हूँ, मुझे तो नहीं आती ये बनाने, लेकिन बनाने वालों ने खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। इसके अलावा ये तमाम जो स्टॉल्स हैं ये ऐसे लगाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगी कि ऐसे फेस्टिवल्स को प्रमोट किया करें, और ऐसी चीज़ों को जो है वो आप आगे लाने में हेल्प किया करें। ख़वातीन भी जो है वो काफ़ी मेहनत करती हैं, तो बेहतर यही है कि उनको प्रमोट करने के लिए आप लोग ऐसे इवेंट्स में आया करें, ख़रीदारी किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि इनक्रेज करें। इनक्रेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
कुछ कहना चाहेंगी? साड़ी तो आप कहाँ से आई हैं? मैं न्यूज़ वन से हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यूज़ वन से भी हूँ और मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ इस वक्त। अच्छा, बस एक इनवाइट करें, लोगों को आए, आर्ट को अप्रिशिएट करें। आर्टिस्ट जो है बेचारा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खासतौर पर फीमेल। हाँ, एंड आई एम प्रोफेशनल आर्टिस्ट, आई बीन पेंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। और ये कि मैंने कहा सर बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिकॉज कोविड टाइम तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा फन है तो ओरिजिनल काम करती हूँ। तो काइंडली आई लाइक टू इनवाइट एवरीबडी, कल भी इवेंट है, आई अप्रिशिएट करें। और रीजनेबल प्राइसेस हैं, बल्कि चीपर देन द मार्केट है, वरना ऑनलाइन स्टोर्स पे भी हैं मेरी पेंटिंग्स, बट उसमें ज़रा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो वी आर हेयर यू नो पर्सनली टू सेल आर स्टाफ, सो प्लीज़ काइंडली। थैंक यू सो मच। मैं अपना ब्रांड नेम बता देती हूँ। यस प्लीज, सैम्स पेंटिंग्स आर्ट एंड क्राफ्ट, और इंस्टाग्राम पे @SamPaintsInOil एंड फेसबुक। काइंडली फॉलो करें, जो नहीं आ सकते आप अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। आप सिंधी हैं? नहीं, पिशावर। पिशावर से? अच्छा, ये पिशावर से। ये देखो सूट इन्होंने रखे हैं। कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहेंगी, जिस तरह के इवेंट से सबसे ज्यादा क्या चीज प्रमोट होती है खासतौर पर फीमेल्स के लिए? फीमेल्स के लिए इस तरह के इवेंट्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रमोट होती है, एक तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, फीमेल्स इस तरह बैठती हैं, अपना काम करती हैं। और दूसरी बात ये कि आपका बिज़नेस प्रमोट होता है। सपोज आपकी सेल हो ना हो, लेकिन आपका बिज़नेस प्रमोट होता है, लोग आते हैं, चीज़ देखते हैं, और अच्छा है। थैंक यू।